हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनी मिनी किचन। आई एम सुनीता। आई एम विनोद। आज मेरे हस्बैंड बनाने जा रहे हैं डिलीशियस बटर चिकन। चलिए अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। ये मैंने 6 चिकन ड्रम स्टिक्स ली हैं जो ऑलरेडी मैरिनेटेड हैं और तंदूरी की हुई हैं या बारबेक्यू करी हुई हैं। अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं इसको मैरिनेट करके, आप इसको बारबेक्यू में बना सकते हैं या एयर फ्रायर में बना सकते हैं या ओवन में बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 1.5 कप वाटर लिया, 2 कप जो मैंने फुल क्रीम या व्हिपिंग क्रीम ली है, 40 to 60 grams अनसॉल्टेड बटर है, 1 कप टोमेटो प्यूरी है, 3 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट है, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी है जिसको हम फेनुग्रीक लीव्स भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड 1.5 to 2 टीस्पून शुगर। आप 6 जो मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं चिकन की, उसकी जगह आप ब्रेस्ट चिकन भी ले सकते हैं या आप दोनों को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको बनाने की विधि शुरू करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, इसको मैंने मीडियम हीट पे रखा हुआ है। अब ये हीट हो गया थोड़ा सा, अब मैं इसमें सबसे पहले पानी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें जो 2 कप क्रीम है, फुल क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है, वो डाल रहा हूँ। टोमेटो पेस्ट और टोमेटो प्यूरी, अब मैं इसको मिक्स करूंगा अच्छी तरह, जिससे कि इसमें कोई ये टोमेटो पेस्ट जो है उसके लम्स ना पड़े। अच्छी तरह 1 मिनट मिक्स करूंगा और जिससे एक आपने ये ध्यान रखना है कि जो कढ़ाई लें उसका जो बेस है थोड़ा वो होना, थोड़ा हैवी होना चाहिए। ठीक है जी, अब 1-2 मिनट हो गया, इसमें ये मिक्स हो गया अच्छी तरह टोमेटो पेस्ट एंड टोमेटो प्यूरी। अब मैं इसके अंदर सारे मसाले इकट्ठे डाल रहा हूँ और उसको मैं मिक्स करके, ये देखिए मैंने सारे मसाले इकट्ठे डाल दिए। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करने के बाद मैं इसको मिक्स करने के बाद 4-5 मिनट के लिए कवर करूँगा, जिससे कि ये जो बॉयल मिक्स है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाए, और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। मैं ये मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह और उसके बाद अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ लिड से। अब मैं 4-5 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। अब इसमें देखिए 5 मिनट हो गए, ये मिक्स जो है बॉयल के ऊपर आ गया है। अब मैं इसको 1-2 बारी अच्छी तरह फिर मिक्स करूंगा और अब मैं हीट को लो टू मीडियम पे करके, ये लो टू मीडियम पे कर रहा हूँ मैं हीट, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ अच्छी तरह। बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है और अब मैं इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रखूंगा, जिससे कि अच्छी तरह क्रीम भी कुक हो जाए और टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट भी कुक हो जाए। तो ये मैंने मिला दिया अच्छी तरह, अब मैं इसको कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुला रखूँगा जिससे कि हवा निकलती रहे, और अब मैंने ये लो टू मीडियम हीट पे कर दिया। आपसे 10 से 12 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ। इसको आप बीच में ज़रूर हिलाते रहिए 1-2 बार, जिससे कि इसके मिक्स जो है नीचे ना लगे। अब 10 मिनट हो गए, मैं इसको लिड को हटाता हूँ, देखिए कितना फर्स्ट क्लास इसमें अब कलर आ रहा है और एरोमा बड़ा अच्छा आ रहा है। अगर आप किसी भी टाइम समझते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी और डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये। अब इस टाइम मैं क्या करूँगा कि बटर डालूँगा और चिकन के पीसेस डालूंगा।
डल गया है, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा और 1 मिनट मिक्स करता रहूँगा जिससे कि बटर पिघल जाए और चिकन के सारे पीसेस इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। अब ये मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को लो पे कर देना और अब ये मिक्स हो गया सारा। अब इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके, लिड से कवर करके रख देना और फिर उसके बाद आपसे मैं मिलूँगा। ये मैं अब मिक्स हो गया सारा, अब मैं इसको लिड से कवर कर रहा हूँ और थोड़ा सा इसको खुला रखना है एनीवेज हमेशा। और अब मैं आपको 20 से 25 मिनट के बाद मिलता हूँ। इसको एक ध्यान रखिएगा, इसको बीच में हिलाना मत भूलिएगा, प्लीज़ स्टर इट ओकेजनली, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और मैं मिलाता रहूँगा इसको इसके बीच में। अब देखिए 20 मिनट हो गए, अब मैं इसका लिड हटाता हूँ और ये देखिए कि इसके अंदर ये जो बटर है वो ऊपर आ गया है, तो उसके अंदर रेड कलर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिश तैयार हो गई है और बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इसके अंदर। आपने कई चीज़ों के ध्यान रखना है, एक तो कढ़ाई जो है वो थोड़ा उसका बेस थिक होना चाहिए, दूसरा इसको हमेशा लिड को कवर करके रखना चाहिए क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो स्प्लैटर होता है, और तीसरा ये है कि अगर आपके पास किसी टाइम टोमेटो पेस्ट अवेलेबल नहीं है उसकी जगह आप हाफ कप टोमेटो प्यूरी डाल सकते हैं। तो अब ये डिश तैयार हो गई है, अब मैं इसको सर्विंग डिश में डालता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखिए ये कितना डिलीशियस बटर चिकन तैयार हुआ है, इसका कलर अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ डिलीशियस डिश। यू वेलकम सुनीता। आप इसको बटर चिकन को इंडियन नान के साथ खा सकते हैं, आप राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं जो चपाती होती है, और परांठे के साथ भी खा सकते हैं। आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन विद अनदर रेसिपी।